पहले सर्राफा व्यवसायी के मोटरसाइकिल की डिग्गी से 40 लाख रुपए के सोने के जेवर और नगदी चोरी की घटना के संबंध में पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने के संबंध में सर्राफा व्यापार मंडल और हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारियों ने सोमवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी के आवास पर पहुंचकर घटना का खुलासा और संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करने के संबंध में ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में सर्राफा व्यापार मंडल के अध्यक्ष पंकज गोयल ने बताया कि लगभग 2 माह पहले सर्राफा व्यवसायी की मोटरसाइकिल से लगभग 40 लाख रुपए के सोने के जेवर और नगदी की चोरी घटना बीत जाने के बाद भी अभी तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उसी के संबंध में हिंदू युवा वाहिनी और सर्राफा व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप कर जल्द से जल्द खुलासा करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का ज्ञापन सौंपा है। इससे पहले भी हम लोगों ने इस मामले को मुख्यमंत्री से भी अवगत करा चुके हैं। उन्होंने कहा कि SSP ने जल्द ही कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस मौके पर हिंदू युवा वाहिनी के मंडल प्रभारी संतोष वर्मा, सर्राफा व्यापार मंडल के अध्यक्ष पंकज गोयल, महामंत्री महेश वर्मा एवं पीड़ित व्यापारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सर्राफा व्यापार मंडल के अध्यक्ष पंकज गोयल ने बताया। पंकज गोयल, अध्यक्ष सर्राफा मंडल गोरखपुर। आज हम लोग माननीय कप्तान महोदय के पास आए थे। हमारा एक पीड़ित व्यापारी था जो लगभग 2 महीने पहले उसके संग एक लूट की घटना हो गई थी। उसके गाड़ी पे गंदगी पोत के और लूट ली गई थी, जिसके संबंध में आज हम लोग कप्तान साहब से मिलने आए थे। क्योंकि आज 2 महीने का समय हो गया और किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। विगत 27 तारीख को हम लोगों ने महाराज जी से भी इस बात से अवगत कराया गया था और आज जब हम लोग मिलने आए तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ पीड़ित से मिला गया है और किसी से मिला भी नहीं गया है। तो हम लोग प्रशासन से क्या और कैसे उम्मीद करें। एक तरफ हमारे माननीय मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हम अपराध मुक्त व्यवस्था दे रहे हैं और प्रशासन की ये रवैया है कि हम क्या करें। व्यापारी एक तरफ कोरोना महामारी से मर रहा है, दूसरी तरफ इन अपराधियों से मर रहा है। व्यापारी जाए तो जाए कहाँ। आपके माध्यम से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कम ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति करें जो हम व्यापारियों की सुने और जल्द से जल्द ऐसे अपराधियों पर लगाम लग सके। कितने की लूट थी और ये लगभग 40 लाख रुपए की लूट थी। उसमें तमाम सामान ऐसे भी थे जो कस्टमर के थे, उन कस्टमरों का दबाव भी है। व्यापारी हमारे बगल में खड़ा हुआ है बेचारा, जो काफ़ी मतलब आप ये कह सकते हैं कि मरणोपरांत की व्यवस्था में आ गया है। उसके संग हमारे पूरे सर्राफा मंडल का सहयोग है और हम चाहेंगे प्रशासन से कि वो भी थोड़ी सी तेज़ी दिखावें और इस लूट का खुलासा करें।